Hello everyone, my name is Esha Sheth and my today's topic for video presentation is caveat emptor. पहले हम समझते हैं कि कहाँ पे contain हुआ ये वाला form, ये वाला norm. Originally the law relating to sale of goods was contained in the Indian Contract Act 1872. The same was repealed and re-acted by the Sale of Goods Act 1913. The act, this act, the Sale of Goods Act came into force on the 1st July 1913. The Indian Sale of Goods Act closely follows the English Sale of Goods Act 1893. तो अब हम समझते हैं caveat emptor. Caveat emptor is a fundamental principle of law of goods, law of sale of goods. जो sale of goods जो law है उसका fundamental principle है caveat emptor. It means caution buyer. That is let the buyer be aware. Caveat means be aware and emptor means buyer. In other words, it is not the duty of the seller to point out the defects of the own good. The buyer must inspect the goods to find out if they will suit this purpose. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सेलर है उसकी वो जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स के बारे में उसको कोई भी डिफेक्ट है तो वो बताए, पर यहाँ पे बायर है जो मस्ट इंस्पेक्ट करना होता है उसको सारे गुड्स को जिसके लिए वो पर्पज के लिए यूज़ करने जा रहा है उससे पहले. एग्जाम्पल ऑफ कैवियट एम्प्टर एक केस में दिया था, वो केस था द गोडार्ड वर्सेस हॉब्स से 1878. इस केस में क्या हुआ था कि जो रिस्पॉन्डर पिटिशनर है उसने पिक्स किए पिक्स खरीदे थे सेलर से, और वहाँ पे क्या जो पिक था वो बीमार था, उसको टाइफाइड से सफ़र ही हो रहा था, तो उस चीज़ में सेलर ने बायर को ये चीज़ नहीं बताई, तो इसके आगे उसकी वजह से जो सारे जो हेल्दी पिक्स थे वो भी टू अदर हेल्दी पिक्स ऑफ द बायर, तो जो सारे हेल्दी पिक्स थे उसके साथ ही टाइफाइड वाला पिक भी आ गया था. इट वॉज हेल्ड दैट द सेलर वॉज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट द पिक्स वर अनहेल्दी. यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेलर है वो बाउंड नहीं था वो डिस्क्लोज करने के लिए जो पिक्स है वो अनहेल्दी है, बिकॉज ये वाला जो पूरा रूल था वो आया था केवेट एम्प्टर के रूल ऑफ लॉ में. एक्सेप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एक्सेप्शन है परचेज बाय डिस्क्रिप्शन, सेकंड है परचेज बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड है फिटनेस फॉर पर्पस, फोर्थ है मर्केंटेबल क्वालिटी, उसके बाद है कंसेंट बाय फ्रॉड, उसके बाद है सेल बाय सैंपल एंड लास्ट वाला एक्सेप्शन है कंडीशन एज टू द टाइटल. हम पहले समझते हैं एक्सेप्शन टू कैविट एम्प्टर, उसका है फर्स्ट है परचेज बाय डिस्क्रिप्शन. The rule of caveat emptor does not apply in a case where goods are brought by the description from a seller. अगर कोई चीज़ है वो आप सेलर से उसके डिस्क्रिप्शन के साथ आप उसको यूज़ कर रहे हो या फिर उसको परचेज कर रहे हो तो उस चीज़ में जो रूल ऑफ caveat emptor है वो अप्लाई नहीं होगा. इसका केस हम एग्जाम्पल के थ्रू, एक केस था द एंड्रूज वर्सेज सिंगल एंड कंपनी लिमिटेड 1934. यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेलर थी उसने कार बेची, क्या कहते कि ये न्यू सिंगल कार है, पर जो बायर है उसको बाद में पता चला कि नहीं ये नया नहीं था, ये तो यूज़ की गई कार थी. तो यहाँ पे द बायर में रिजेक्ट द कार और डिटेन द कार एंड क्लेम द डैमेजेस. यहाँ पे जो रूल ऑफ कैविट एम्प्टर है वो अप्लाई नहीं होगा. उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन है परचेज बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, वेयर गुड्स आर बॉट बाय सैंपल एज वेल एज बाय द डिस्क्रिप्शन एंड द वर्क ऑफ गुड डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स. यहाँ पे क्या सेलर ने उस बायर ने उसको बता दिया कि मुझे ये डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स चाहिए या फिर कोई सैंपल दे दे कि ये सैंपल ले लो आप, मुझे इसके हिसाब से आप मुझे गुड्स दे दो. अगर ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद भी अगर बायर को वो चीज़ उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है तब वो चीज़ वो वापस कर सकता है. वो वाला जो पूरा रूल है वो कैवेट टेम्प्टर के अंदर नहीं आएगा. एग्जाम्पल था केस ऑफ निकोल वर्सेस गॉट्स 1854. फॉरेन रिफाइंड रैप ऑयल वॉज सोल्ड वारंटेड टू बी इक्वल टू द सैंपल. जो फॉरेन रिफाइंड रैप ऑयल था वो बेचा गया, किस वजह से ऐसे बोला कि ये जो इक्वल है जो आपने सैंपल दिया इसके बिल्कुल इक्वल ही वाला ऑयल है. द सैंपल वॉज एक्चुअली नॉट फॉरेन रिफाइंड रैप ऑयल बट अ मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल हेल. द बायर कुड रिजेक्ट द ऑयल थ्रू द बल्क करस्पॉन्ड विद द सैंपल. उसके बाद है फिटनेस फॉर पर्पस, थर्ड हमारा एक्सेप्शन. Where the buyer informs the seller the particular purpose for which the goods are required and relies upon seller's skill or judgment. तो क्या होता है कि बाहर अगर कोई चीज़ लेनी जानी है, अगर बायर को उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मुझे इस पर्पज़ के लिए ये चीज़ चाहिए, तो वो सेलर को बोलेगा मुझे इस पर्पज़ के लिए ये वाली चीज़ चाहिए, तो आप मुझे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो भी नॉलेज में जो सबसे बेस्ट होगा स्किल और जजमेंट के हिसाब से वो आप मुझे दे देना. यहाँ पे क्या हुआ कि जो बायर है उसने उसको ऑलरेडी बोला कि मुझे किस पर्पज़ के लिए, फिटनेस पर्पज़ या कोई भी पर्पज़ के लिए मुझे ये वाली चीज़ चाहिए. अगर वो गुड्स लेता है वो उसके पर्पज़ के साथ मैच नहीं होता
तो इसके अंडर भी जो कैवेट एम्प्टर का रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, ये भी आएगा एक्सेप्शन के अंडर। उसके बाद फोर्थ हमारा एक्सेप्शन है मर्केंटेबल क्वालिटी, वेयर द गुड्स आर ब्रॉट बाई डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। एग्जाम्पल, ए ब्रॉट ब्लैक यार्न फ्रॉम डी एंड फाउंड इट टू बी डैमेज बाई वाइट एंड्स, द कंडीशन एज टू मर्केंटेबल वॉज ब्रोकन। उसके बाद है कंसेंट टू बाय फ्रॉड, अगर किसी ने आपको फ्रॉड से आपका कंसेंट दिया है तो वो वाला जो पूरा इंसिडेंट होगा वो भी कैवेट एम्प्टर के अंडर नहीं आएगा, वो भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा। वेयर द सेलर मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली टू द बायर एंड द बायर रिलाइज ऑन इट, वेयर द सेलर नोइंगली कंसील्स द डिफेक्ट इन द गुड, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। अगर आपने कोई चीज़ बोली कि नहीं नहीं सर मैं आपको बिल्कुल ऐसी ही चीज़ दूंगा, सेलर बोलता है बायर को कि नहीं मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ दूंगा, इससे भी थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा, और जब वो चीज़ आपको तुरंत मिलती है तो वो टोटली डिफरेंट होती है। सेलर को पता है कि हमको कौन सी चीज़ चाहिए, वो उसने जानबूझ के आपको कोई गलत चीज़ दी है, वो पूरा जो इंसिडेंट होगा वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर में नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद है सेल बाय सैंपल, हमारा एक्सेप्शन है सेल बाय सैंपल। In a sale of goods by sample, the rule of caveat emptor does not apply if the bulk does not correspond with the sample or if the buyer is not given an opportunity to compare bulk with the sample. मान लीजिए कि हमने सैंपल दे दिया कि चलो ये वाला सैंपल है, मुझे इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़, इसके अकॉर्डिंग ये सैंपल है तो मुझे इस सैंपल के जैसा कोई भी मुझे सामान चाहिए। मान लीजिए आपका वो सामान है वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आया, या फिर आपको वो चेक करने का वहाँ पर मौका नहीं दिया सेलर ने। होता है ना कई बार हम चीज़ लेने जाते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि हमने जो सैंपल दिया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मैच हो भी रही है या नहीं हो रही है। पर कंडीशन में क्या होता है कि कई बार जब सेलर ने कोई गलत चीज़ दी होती है तो सेलर हमको टाइम नहीं देता है कि आप वो चीज़ यहाँ पे जाके चेक कीजिए, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कंपेयर करने की तभी वो कैवेट एम्प्टर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल है सर्टेन शोज वर sold, certain shoes were sold by sample for the French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection and the buyer was entitled to the refund of price plus damages. तो यहाँ पे क्या होगा, जो फंड हो गया, जो उसकी प्राइस होगी वो तो उसको रिफंड मिलेगी, साथ में उसके डैमेजेस हो गए वो भी उसको रिफंड मिलेंगे। उसके बाद हमारा एक्सेप्शन है कंडीशन एज टू टाइटल, जनरल रूल इज दैट ओनली द ओनर ऑफ गुड्स कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज। ए फाइंड्स अ रिंग ऑफ बी एंड सेल्स इट टू अ थर्ड पर्सन हु परचेज इट फॉर अ वैल्यू एंड इन गुड फेथ, द ट्रू ओनर दैट इज बी कैन रिकवर फ्रॉम दैट पर्सन फॉर ए हैविंग नो टाइटल कुड पास नन द बेटर। ये था कंडीशन एज टू द टाइटल, जो यहाँ पे टाइटल होता है, द जनरल रूल इज दैट Only the owner of goods can transfer a good title. जो चीज़ है उसके जो owner है, जो कोई भी गुड का owner है, सिर्फ वही उस चीज़ का, वही उस goods का transfer है, वो owner है वो transfer कर सकता है, कोई तीसरा person आके वो नहीं कर सकता। जो A बंदा है उसने B की ring मिली और उसने वो B की ring था जिसका ownership B था, owner B था, उसने वो चीज़ किसी और को बेच दी true faith में। पर यहाँ पर क्या हुआ, बी है वो रिंग वो थर्ड पर्सन से वो रिकवर कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए के पास टाइटल नहीं था वो चीज़ बेचने का। तो ये था हमारा लास्ट एक्सेप्शन फॉर कैवेट एम्प्टर। थैंक यू।